नमस्कार दोस्तों, मैं शायना सेठ। कैसे आप दोस्तों? वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश की आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लास्टिंग, था बन जाए जबरदस्त वाली। कैसे हो पाशा लोगो? आज का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे, आज हम बात करने जा रहे हैं कि भाई आज की नमस्कार दोस्तों, मैं शायना सेठ। कैसे आप दोस्तों? वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश की आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लास्टिंग, था बन जाए जबरदस्त वाली है कि नहीं, माइंड ब्लोइंग वाली। आज का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे, आज हम बात करने जा रही है, कितने पेरेंट्स से मेरी बात हुई है ना, कितने तो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे कॉल करते हैं ना और बोलते हैं कि भाई हमारे एग्जाम्स आने वाले हैं, तो भाई क्या करें। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी दे रहे हैं वो भी सुन लो, है ना। अब पहली बात तो ये है कि भाई देखो, जब पढ़ाई की बात आती है ना, पहली बात तो फोकस बना के रखो पाशा लोगों, है कि नहीं। मेरे को पता है मेरे को बहुत मानते हो और मेरी बात आप जरूर सुनोगे। भाग्य साथ दे रहा है लेकिन कर्म नहीं कर रहे हो वो भी ठीक नहीं, कर्म कर रहे हो लेकिन भाग्य साथ दे रहा है वो भी ठीक नहीं, है ना। हम अपनी जन्म कुंडली देखते हैं, हमें अपनी कर्म कुंडली भी देखनी चाहिए, हम एफर्ट कितना कर रहे हैं, सीधी सी बात है। और सच्ची बता रही हूँ, हम लोग जितना, पहली बात तो पता है, मैंने एक चीज देखी है, जितना मैं अपना एक चीज बता रही हूँ, जितना हम लेफ्ट राइट देखेंगे ना, हम हमारा फोकस हिलेगा। लेफ्ट राइट देखने का ही नहीं, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा, भाड़ में जाने दो, आप अपने पे फोकस करो। आज की डेट में आपको भी पता है, दोस्ती यारियां भी तब तक ही निभती हैं जब तक हम सक्सेसफुल हों, जब तक हम टॉप पे हों, जब तक हमारा सब अच्छा हो रहा है। पता है, मैं इतनी प्रॉब्लम्स हमने तो देखी है ना, जब प्रॉब्लम्स आती है कोई साथ नहीं देता, सब आपको, आप कितने भी अच्छे इंसान हो, आपको लोग ना लूजर समझते हैं। तो अभी का ये जो टाइम है बिल्कुल फोकस रह के चलने का है ना। आपको मैं कुछ कुछ उपाय बताऊंगी, मेरे छोटे पाशा लोगों में, और जो भी है ना इतने बड़े लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, आप मेरी बात सुनो, ये चीज़ें करो। मैं और भी चीज़ें बताऊंगी अगली वीडियो में, लेकिन ये चीज़ें कम से कम करने की कोशिश करो। जल्दी जल्दी बनाऊंगी क्योंकि शूटिंग पे भी निकलने वाली हूँ, है ना। सो एफ एन क्रेक यूट्यूब पे देखो पाशा लोगों, छोटे छोटे अभी मत देखना अभी, क्योंकि एग्जाम्स है पढ़ाई करने की अपने को, है ना। और जो पेरेंट्स सुन रहे हैं वो भी सुन लो। अब आपने क्या करना है, जबरदस्त चीजें बताऊंगी। जो चीनी की बोरी नहीं होती जूट की, चीनी की जो बोरी जूट की होती है जिसमें चीनी होती है, उसकी खाली बोरी कहीं से लेके आ जाओ। अब उसको क्या करोगे, आपने अपने छत पे, या अगर जैसे छत नहीं है, फ्लैट सिस्टम होता है, तो जो वरांडा नहीं होता, वरांडे पे अपना रख दोगे। पहला उपाय ये है। दूसरा उपाय क्या करोगे, जो बच्चा है या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, उन्होंने रात को सोते वक्त, है ना, सोने से पहले क्या करना है, आपने शहद चाट लेना है, थोड़ा सा शहद लोगे, उसको चाट लोगे, वो करके फिर आपने सोना है। तीसरा उपाय, जो पेरेंट्स चाहते हैं कि अपने बच्चे, है ना, उनके बच्चे खूब अच्छे से मेहनत करे, उनका फोकस रहे, तो क्या करोगे, शाम के वक्त, रात के वक्त एक टाइम का पका हुआ भोजन जिसमें काली उड़ा दो, वो बच्चे के हाथ से दिलवाना ही दिलवाना है। या आप अगर दे रहे हो, है ना, जो इतने हाई लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ये एक वक्त का आपने देना ही देना है किसी जरूरतमंद को जाकर, है ना। चौथी चीज, ट्यूसडे को, है ना, मंगलवार को या शनिवार को, ट्यूसडे को या सैटरडे को, अजवाइन, छोटा सा लोहे का टुकड़ा, सरसों का तेल और काली उड़द का आपने जरूरतमंद को दान देना, या किसी भी धर्म स्थान पे छोड़ के आ जाओ, कोई दिक्कत वाली बात। अच्छा, ये कौन सी हमारी, चार हो गई, है ना। पांचवी चीज क्या करोगे, जब भी पढ़ाई करो, है ना, नॉर्थ ईस्ट की तरफ मुंह करके, नॉर्थ ईस्ट एरिया में ही पढ़ाई करो, या ईस्ट की तरफ फेस करके पढ़ाई करो। क्यों, ईस्ट का वास्तु के हिसाब से देखो, ईस्ट कौन सा, किसका एरिया होता है, सूर्य का। सूर्य जब रोशनी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली हमारा दिमाग तेज होगा, है कि नहीं। तो अब आपने क्या करना है, आपने ये जैसे मैंने बोला नॉर्थ ईस्ट की को फेस करके या ईस्ट को फेस करके आपने पढ़ाई करनी है, है ना। वहां पर देखना कोई खिड़की विड़की ना हो। एक और चीज जबरदस्ती बता देती हूँ, जैसे कई बार बच्चों को लगता है ना बाहर बाहर है, भारीपन हो रहा है, ये सारी चीजें, तो क्या करोगे, सब ढक कर पढ़ाई करो। वैसे भी सर ढककर पढ़ाई करने से हमारी जो कहते हैं ना, जो नेगेटिव चीजें, हमारे मस्तिष्क की तो है हर चीज, मैंने पहले भी बताया है, फिर से बार बार नहीं बताऊंगी, बताऊंगी बार बार भी बताऊंगी, बट वैसे आपको बता रही हूँ, सर ढककर पढ़ाई करो।
है ना, पीले पीले पीला कपड़ा हो तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं भी हो कोई बात नहीं, पर ढककर पढ़ाई करो। एक और चीज बता देती हूँ, है ना, मन हमारा इधर उधर भटकता है, भटकने लगती है, क्योंकि पढ़ाई हो या कोई भी ऐसी चीज हो, वहां पर हमारा मन, दिमाग और दिल की हारमोनी मेंटेन होनी बड़ी जरूरी है। क्या करोगे, रोज रोज एक तो जो मीठी दही होती है ना, ओहो एक सेकेंड, मीठी दही जो होती है उसके अंदर थोड़ा सी तुलसी डालकर वो खाओगे, फिर पढ़ाई करने बैठोगे। और जब जा भी रहे हो, अच्छा जब जैसे पढ़ाई, जैसे ट्यूशन भी जा रहा है बच्चा, तब भी देकर है ना भेजो। एक और चीज बताती हूँ, क्या कहते हैं, जब बच्चा एग्जाम के लिए जा रहा है ना, आधा किलो दूध धर्म स्थान पर छोड़ के जाए, है ना, जो भी धर्म फॉलो कर रहे हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये चीज करनी है आपने, है ना। और सूर्य को जल नियमित रूप से आपने देना ही देना है ना। और कैसे दोगे, ओम गृणी सूर्याय नमः का जप करोगे, उसके अंदर क्या डालोगे, उसके अंदर जब तांबे के लोटे में आप जल दोगे, उसमें आपने लाल चंदन डाल देना है, उसमें आपने क्या बोलते हैं चावल डाल देना है, थोड़ा सा दूध डाल देना है, ओम गृणी सूर्याय नमः, ओम गृणी सूर्याय नमः करके आपने जल अर्पित कर देना है। ये करके 24 बार हाथ ऊपर, मैंने पहले भी बड़ा जबरदस्त उपाय बताया था आपको, आपको याद होगा, 24 बार गायत्री मंत्र का जप करना हाथ ऊपर करके, है ना। और जो इस्लाम धर्म फॉलो कर रहे हैं वो अपना नमाज पढ़ के जाओ, है ना, नमाज जितनी पढ़ोगे ऊपर वाले को ये, ओहो मतलब नमाज में भी साइंटिफिक चीजें है ना, हर चीज का साइंटिफिक रीजंस होते हैं। गायत्री मंत्र का भी, उसमें भी हमारे सात चक्रा को वो एक्टिवेट करता है, जो सिख धर्म फॉलो कर रहे हैं वो सुखमनी साहब का पाठ, मैं कहती हूँ एक बार पे नहीं, थोड़ा थोड़ा पढ़ो और वहीं से फिर शुरू कर दो, है ना, जैसे जहां तक पढ़ लिया पढ़ लिया, फिर उसके बाद वहीं से कंटिन्यू अगले दिन या शाम को आके करे, जैसे भी है ना ये करो। एक और चीज जबरदस्ती बताती हूँ, है ना, आपने क्या करना है, पीले कपड़े में चने की दाल, शहद, 5 पीली फल, 5 पीली मिठाई, जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दे रहा है नियमित तौर पे थर्सडे को दे, जबरदस्त इफेक्ट है। लाल चंदन का टीका आपने लगाना ही लगाना है, जबरदस्त, बहुत जबरदस्त है। बट वो ही बात है, मेहनत हम करेंगे, उसका रंग ना आए तो कोई ऐसी वो है ही नहीं, डाउट की बात है ही नहीं, हम जितनी मेहनत करेंगे, इधर उधर नहीं देखने का, करने दो करने दो, जो करता है ना, मतलब कोई बात नहीं, कोई हम अपने पे फोकस करें, हम अपने पे फोकस करें। मैंने पहले भी एक एग्जांपल दिया ना, चील को देखा है कभी, वो उड़ती, वो घूमती रहती है जब तक उसको उसका प्रे नहीं मिल जाता, शिकार नहीं मिलता, खाना नहीं मिल जाता, फट करके लेती और उड़ जाती है। ये फोकस रहना है, ये फोकस रहना है, सक्सेसफुल बनने का ही है, और कोई ऑप्शन नहीं है। चींटी को भी देखो कभी, है ना, गिरेगी फिर ऊपर चढ़ेगी, फिर गिरेगी फिर ऊपर चढ़ेगी, कोई बात नहीं। लकीरें कुछ लकीरें भी बदल जाती हैं, हमारे कर्मों से लकीरें भी बदल जाती हैं, कोई मत घबराओ, करो करो, है ना। अगर कुछ नई चीज समझ आए कमेंट कर देना, हो सकता है थोड़े लेट रिप्लाई करूं, या मम्मा आरिका मारवा जी आई लव यू, वो रिप्लाई जरूर कर देंगी, मम्मी कर देंगी, है ना, क्योंकि मैं तो शूटिंग पे जा रही हूँ तो मम्मी कर देती हैं, आजकल आप देख ही रहे होगे कमेंट्स, है ना, मम्मा रिप्लाई कर देती है, कोई दिक्कत, मम्मा तो मेरी भी गुरु है ना, तो कोई ऐसी बात नहीं, वो जरूर आपको रिप्लाई करेंगी, आपको अगर कोई कंफ्यूजन होगी, ठीक है पाशा लोगों। और एक चीज बता देती हूँ, फ्री में कंसल्टेशन मत मांगना, मेरे को कल भी इतनी शर्मिंदगी हुई है, आप मेरे को एक पैसा मत दो, जो उपाय तो बता रही हूँ, जो उपाय बताती हूँ उसको करना शुरू करो, है ना। पर अगर आप बोलो मेरे को बहुत वाकई में शर्मिंदगी, मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब आपको पता ही है, सर पे मेरे फादर तो है नहीं, जो देखना हम बहन भाई ने देखना, कितनी बार बोलूं, बार बार ना खुद को भी बड़ी शर्मिंदगी होती है। आप चीज समझो, आप लोग बोलते हो हेल्प करूं, हमारा तो कोई रिश्तेदार तक नहीं है जिससे हेल्प मांगू, मैं किसे हेल्प मांगू जाके, है ना, थोड़ा समझा करो। आप अगर देखो कल कितने फोन्स आए मेरे को, है ना, इस चीज के ऊपर वीडियो बनाने के लिए, मैंने बना दी ना, आप मेरे को बोलो सही, मेरी जान हाजिर है, मेरे पाशा लोगो आई लव यू वेरी मच, और इतना प्यार, इतनी इज्जत देने के लिए, मतलब मैं तो हद, अरे यार ये भी कॉपी करने लग गए हैं यार, ये मैम्स लोग जो है, थोड़ा अपना कॉपी करो यार, अपनी चीज कोई बना लो यार, कॉपी मत किया करो। कल फिर मेरे को वीडियो आई थी, कसम से आप लोग कॉपी करते हो, आपको क्या लगता है पाशा लोग बेवकूफ है, उनको समझ नहीं आती, पहले की वीडियोस भी देखते हैं, आप तो मेरे से कितने पुराने हो यार, अपना तो कुछ कर लो,
सच्ची में लोगों को समझ आने लग गया, कितना मेरे को कमेंट्स भी आने लग गए हैं। देखो क्या मतलब, क्या मतलब है ना, पता नहीं किस चीज की कंपटीशन है यार। ये चीजें थोड़ा उच्च कोटि के बनो। एस्ट्रोलॉजर्स मेरे को फोन करेंगे, कल तो मेरे को फोन आया, हाँ जी आप अभिमंत्रित प्राण प्रतिष्ठा करके आप कुछ वो हमें दे दोगे, चेक कर रहे थे क्या तुम्हें क्या लगता है। मैं ना जी ना, कोई पूजा पाजा के चक्कर में नहीं, 12 पंडित बिठाकर हम ये करवा देंगे, हम वो करवा देंगे। उनको बोलो ठीक है जो उपाय बोलना मैं खुद करूंगा, मैं खुद करूंगी, मैं करूंगी अपना उपाय, मतलब आप करोगे है ना। तो ये चीज है, जो करना है आपने करना है, ऊपर वाला बहुत ग्रेट है, सब काम बना देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना। जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं मैं उनसे ही बात करूंगी, एक वीडियो में वैसे ही बनाया करूंगी, जैसे आपके कोई क्वेश्चन है, एक एक गाइडेंस है, एक लकी सब्सक्राइबर करके वीडियो बनाऊंगी, उसमें क्वेश्चन के आंसर्स दूंगी पाशा लोगों में, ऐसी बात नहीं है ना। लेकिन सिर्फ सब्सक्राइबर, नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब करो ठीक है, लाइक करो, लाइक लाइक आप मुझे लाइक करोगे, यूनिवर्स आपको लाइक करेगा, हर बस आपको लाइक करेगा। डिसलाइक वालों आई लव यू टू मच मैन, माय पाशा लव्स यू टू मच मैन, है ना। गॉड ब्लेस यू मैन, है ना, कोई ऐसी बात नहीं। शायना सेठ नफरत को प्यार में बदल देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और अगर नहीं बदल पाया तो कोई बात नहीं, ठीक है। शेयर करो, शेयर इसलिए करो कि सबकी जिंदगी ठा हो जाए यार, ठा बनानी हमने। प्रॉब्लम को क्या कहेंगे, तेरी ऐसी तैसी, तेरी ऐसी तैसी, ऐसे ऐसी तैसी कर देनी है। उपाय करो, मेहनत करो, ऊपर वाले को मना लो, उससे बड़ी चीज तो कोई कुछ नहीं, ही इज ग्रेट। कहते ना देर है अंधेर नहीं है, नहीं अंधेर है ना। ओके बाय बाय, नमस्कार।